हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे अब इस तरह की स्टार्टर्स वीडियो कैसे बना सकते हैं जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लेना, चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो क्रिएट न्यू लिखा है उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जैसे 16:9 रेशो को सिलेक्ट करके आपको जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है इमेज। तो इमेज का लिंक आपको जो भी मैं मटेरियल यूज़ किया हूँ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद पहले आपको बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेना, इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है सॉन्ग। जो सॉन्ग में आप स्टार्ट वॉच वीडियो बनाना चाहते हैं तो ऑडियो में जाना है। जाने के बाद जिधर भी आपका सॉन्ग है आपको सॉन्ग को जैसे ऐड कर लेना है। सॉन्ग ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जो इमेज है उसको भी आपको इस तरह स्लाइड करके जितना सेकंड तक आपका सॉन्ग है उतना सेकंड तक आपको इमेज को ले आना है, जो कि इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको लिखना है नेम, यानी कि जो भी स्टेशन का नेम है आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं अब अपना स्टेशन का नेम इधर से लिख सकते हैं। तो पहले आपको स्टार्टिंग में आना है, लेवर में जाना है, जैसे आपको टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद पहले आपको इधर से हिंदी में लिख लेना है आपका जो भी स्टेशन का नेम है। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, लिखने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा, जो भी आपका टेंशन है आप लिख लेना। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद जैसे आपको बोल्ड वाला जो रोबोट ब्लैक है इसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो रोबोट बोल्ड ये जो भी फॉन्ट आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर से मैं रोबोट ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। कलर में जाके जैसे आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह स्लाइड करके परफेक्टली उसको थोड़ा आपको इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको ऊपर आपको अच्छी तरह से उसको सेट कर लेना है। तो ये हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह आपको होल्ड करके पूरा इसको एंड तक ले लेना है। लेने के बाद आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद आपको डुप्लीकेट कर लेना है। करने के बाद नीचे वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है। एडिट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे इंग्लिश में लिख लेना है, जो भी आपने लिखा है उसको आपको इंग्लिश में इस तरह करके लिख लेना है। लिखने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से जो सेट करना है रोबोट बोल्ड वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसको पहले उसको भी छोटा कर लेना है। छोटा करके आपको अच्छी तरह से उसको सेट करना है। उसके बाद ऊपर वाला जो आपने हिंदी में लिखा उसको भी थोड़ा आपको ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद उसको भी थोड़ा आपको छोटा इधर से कर लेना है। तो परफेक्टली उसको एडजस्ट कर लेना है जैसे कि परफेक्टली लगे। तो इतना मैं रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको जो इंग्लिश वाला जो है उसको थोड़ा आपको ऊपर ले लेना है। तो अपने हिसाब से देख के उसको एडजस्ट कर लेना। तो हो गया, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह करके आपको एडजस्ट करके लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने ये स्टेशन का नेम लिखा उसको आपको इसमें इधर से लिखना है। तो आपने जो इंग्लिश में लिखा उसके ऊपर क्लिक करना है। लेयर को आपको इधर से डुप्लीकेट करना है। नीचे वाले लेयर को इस तरह स्लाइड करके आपको पहले साइड में ले आना है। उसके बाद आपको पहले आपको जैसे फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। आपको डाउनलोड कर लेना है स्टोर में जाके। सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक करना है। कर उसके बाद आपको कॉलर में जाके पहले इसको जो कॉलर है वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो पट्टी है उसके ऊपर आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको उसको टेक्स्ट को पहले इस तरह करके छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको इसको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जैसे दिखाई दे रहा है टेक्स्ट ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करके जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा आपको जैसे इंक्रीज कर लेना है। 15 के आसपास आपको रख लेना है। तो देख सकते हैं जैसे हमारा परफेक्टली एडजस्ट हो गया। नहीं होता तो उसको आपको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं जैसे हमारा जो कि लिखा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको ऐड करना है लाइट PNG। तो उसके लिए स्टार्टिंग में आना है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना है। मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपने तो लाइट PNG उसको आपको जैसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ देखने मिलेगा। नीचे आना है आपको, जैसे ब्लेंडिंग में जाना है। जैसे आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, इस तरह कुछ आ जाएगा। ये जो लाइट PNG है इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करके पहले उसको थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद उसके ऊपर आपको लाइट के ऊपर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ओवरऑल एनिमेशन में जाना है। जाने के बाद जैसे जो भी एनिमेशन आप ब्लिंक वाला दे सकते हैं, नहीं तो जैसे पॉल्स वाला दे सकते हैं, नहीं तो जैसे ये देख सकते हैं फ्लिकर वाला आप दे सकते हैं। जो भी ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो पॉल्स वाला दे देता हूँ जो कि परफेक्टली देखने मिलेगा। तो ये हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद इसको स्लाइड करके आपको पूरा एंड तक ले लेना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करके उसको आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद लेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये दो लाइट है उसके ऊपर आपको एडजस्ट करना है। पहले आपको क्या करना है, उसको थोड़ा और छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको इसको फास्ट वाला जो लाइट है उसके ऊपर रख लेना है। फिर से आपको उसको डुप्लीकेट करना है। फिर से आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके जो सेकेंड लाइट है उसके ऊपर भी उसको एडजस्ट कर लेना है, जो कि परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको लाइट में इफेक्ट देखने मिलेगा। देख सकते हैं इस तरह की इधर से ब्लिंक हो रहा है। इसके बाद ये भी लाइट जो कि हमारा ब्लिंक हो गया। देख सकते हैं इधर से हमारा परफेक्टली मैच हो गया। उसके बाद हमको लास्ट में ऐड करना है जो कि रेन वाला इफेक्ट। तो इसके लिए स्टार्टिंग में आना है,
आपको लेयर में जाना है, उसके बाद आपको इधर से स्टिकर में जाना है, जाने के बाद आपको इधर से रेम वाला इफेक्ट जो है आपको देख सकते हैं रेनी डेज, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको नेट को ऑन रखना है, जो होम बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर से स्टिकर ऑप्शन में जाना है, देख सकते हैं स्टिकर, उसमें आपको इधर से रेन वाला जो इफेक्ट है आपको इधर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको डाउनलोड करेंगे तो इधर से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला जो देख सकते हैं रेनी डेज उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है जैसे बहुत सारा रेन देखने मिले तो आपको जो सेकंड वाला है उसको सिलेक्ट करना है, जो कि ये परफेक्टली मैच होगा। तो आप ये जो सेकंड वाला है उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो देख सकते हैं हो गया। उसके बाद उसको स्लाइड करके आपको एंड तक ले लेना है, तो देख सकते हैं जैसे हमारा जो कि इधर से हमारा इस तरह की जो बन जाएगा। सो फ्रेंड उसके बाद आपको ऐड करना है ट्रेन वाला पीएनजी, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, आपको जो डाउनलोड किया है ट्रेन पीएनजी उसको आपको ऐड कर लेना है। इस तरह कुछ देखने मिलेगा, उसके बाद को इस तरह करके आपको पहले इसको फुल स्क्रीन में इस तरह कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है उसको एंड तक इस तरह स्लाइड करके पूरा आपको एंड तक ले लेना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है, आपको ये जो की आपको दिखाई दे रहा है देख सकते हैं ये जो की दिखाई दे रहा है उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद इस तरह एक की लग जाएगा, उसके बाद इस तरह स्लाइड करके आपको जो कि लेफ्ट साइड के अंदर इस तरह स्लाइड करके जैसे कि पूरा राइट साइड में आपका जो एंड तक पूरा आ जाए, इतना आपको परफेक्टली रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इस तरह आपको स्ट्रेटली रेड लाइन जैसे दिखाई देगा, इस तरह आपको परफेक्टली उसको एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आपको पूरा एंड तक जाना है, जाने के बाद आपको जैसे पूरा जब एंड होता है थोड़ा आपको पीछे आना है, आने के बाद आपको एक प्लस आइकन दे रहे हैं, देने के बाद इस तरह आपको स्लाइड करके देख सकते हैं जैसे राइट साइड के अंदर आपको पूरा स्ट्रेटली जो तीनों रेड लाइन दिखाई दे रहा है इस तरह स्लाइड करके आपको पूरा राइट साइड के अंदर आपको लेना है, जैसे कि पूरा एंड हो जाए। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको देखने मिला, तो जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको जो कि ट्रेन का जो जैसे कि चलता हुआ ट्रेन जैसे दिखाई देगा। तो देख सकते हैं जैसे हमारा इधर से रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको ऐड करना है जो कि आपके चैनल का लोगो, तो ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जाने के बाद जिधर भी आपका लोगो है आपको इधर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस तरह कुछ देखने मिले, उसको आपको जिधर भी एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद उसके ऊपर आपको एडजस्ट करना है उसका जो ओपेसिटी आपको इधर से, अगर आपका वाइट लोगो है उसको क्या करना अल्फा में जाएगा, उसका जो ओपेसिटी थोड़ा आपको डाउन करना है जैसे कि परफेक्टली मैच करे, तो इतना आपको रख लेना है। रखने के बाद इसको आपको इस तरह स्लाइड करके पूरा आपको एंड तक ले लेना है। तो देख सकते हैं फाइनली इधर से हमारा जो कि वीडियो रेडी हो गया, तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि इधर से हमारा जो कि वीडियो लग रहा है। आपको क्या करना, जो टेक्स्ट आपने जो आप ऐड किया आपके चैनल का लोगो ऊपर आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है जो पीएनजी है ट्रेन वाला पीएनजी उसके ऊपर क्लिक करना है, थ्री डॉट में जाकर आपको ब्रिंग टू फ्रंट करना है तो कि परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे हमारा परफेक्टली जो कि वीडियो जैसे तैयार हो गया। उसके बाद आपको वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको जैसे शेयर ऑप्शन जाना है, जाने के बाद आपको जैसे वीडियो को फुल एचडी में क्वालिटी आपको जैसे जो फ्रेम रेट है 60 रख के आपको जैसे सेव एज ए वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा।